जमियत ए उलमा ही संघटना कोणत्याही समाज घटकाच्या आरक्षणाच्या विरोधात नाही अशी प्रतिक्रिया मैनुद्दीन शेख यांनी व्यक्त केली आहे. जमियत ए उलमा या संघटनेचा कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला कोणताच विरोध नाही अशी माहिती मौलाना इब्राहिम कासमी आणि मैनुद्दीन शेख यांनी दिली. विनाकारण काही जण गैरसमज आणि अफवा पसरवत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. अफवांवर कोणीही विश्वास ठेवू नये, जातीय तेढ निर्माण करण्याच्या प्रवृत्तीपासून सावध राहावं असंही मैनुद्दीन शेख आणि मौलाना मोहम्मद इब्राहिम कासमी यांनी सांगितलं. क्लियर स्टेटमेंट होता था हमारा और धनगर समाज के भी आरक्षण के विरोध में हम नहीं हैं. हम ये चाहते हैं कि उनको भी मिले और मुसलमानों को भी मिले, तो हम विरोध में नहीं हैं. अब पिछले में व्हाट्सएप पे एक ऐसा मैसेज वायरल हुआ कि उसमें ये कहा गया उसको यानी मतलब वातावरण को ख़राब करने के कंस्पिरेसी और एक साजिश हम लोग उसे समझते हैं कि उसमें कहा गया कि हमने मराठा समाज और जो है धनगर समाज के आरक्षण के विरोध में हमने याचिका दाखिल की, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं. या पत्रकार परिषदेस महेश गाडेकर, श्याम कदम, राम गायकवाड, मौलाना युसुफ आदींची उपस्थिती होती.